The question is, the slope of a line is double of the slope of another line if tangent of the angle between them is 1 by 3. Find the slope of the lines. So let's see how we are going to solve this problem. So पहले मैं आपको question के part को समझा देता हूँ. देखिए आपको दो लाइनें given हैं. Suppose ये मेरे पास पहली line है. This is the first line. इसको हम लोग L1 से represent कर देते हैं. This line is our L1. और एक another line है, एक another line है और इसको हम लोग L2 से represent कर देते हैं. That this is the second line L2. ये आपके पास L2 line है. ठीक है? Question में ये बोला गया है कि इसमें से एक line का slope दूसरे लाइन के स्लोप का जस्ट डबल है. मींस अगर मैं इसके स्लोप को m एज्यूम करूं तो इसका स्लोप हमारे पास 2m यूनिट के बराबर है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन पार्ट. एक और इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों लाइनों के बिटवीन का एंगल का लेट इन दोनों के बिटवीन का एंगल थीटा है तो इसके टेंजेंट की वैल्यू 1/3 है. मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है. दिस इज 1/3 और अब आपको पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन क्वेश्चन. इसके लिए जो पहला कंसेप्ट आपको रिक्वायर्ड होगा वो ये है कि अगर आपके पास दो लाइनें हैं जिसमें से एक लाइन का स्लोप सपोज m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप अगर m2 है तो दोनों के बिटवीन का एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 के. अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको tan थीटा भी प्रोवाइडेड है, m1 भी प्रोवाइडेड है और m2 भी प्रोवाइडेड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टेन थीटा आपका 1/3 है. m1 की बात करें तो उसे अपन m लेट कर लेते हैं. m2 की बात करें इसे अपन 2m लेट कर लेते हैं तो m माइनस 2m हो गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2m के. अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m. सो नाउ 1/3 इज इक्वल टू, नाउ दिस इज योर माइनस m, ये आपका माइनस m बनता है और ये बनता है 1 प्लस के 2m स्क्वायर के. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम द गिवन इक्वेशन. तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपका मॉड है तो आप जानते होंगे कि अगर सपोज मॉड ऑफ x अगर आपका 2 के इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ x इज योर प्लस माइनस 2. इट इज फॉर द एग्जाम्पल, यानी कि आप लिखेंगे माइनस m ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 के. तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे दो केसेस हैं, एक बार हम प्लस वाले केस को कंसीडर करेंगे और एक बार माइनस केस को भी कंसीडर करेंगे. तो चलिए प्लस वाले केस को हैंडल करें. मींस माइनस एम ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/3 या फिर माइनस 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर या फिर आप लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस की 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस m प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0. और जब आप इसको स्प्लिट करेंगे मींस यू आर डूइंग द फैक्टर्स तो ये बनेगा 2m प्लस 1 और एक फैक्टर बनेगा m प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से आप सजेस्ट कर सकते हैं कि एक स्लोप या तो स्लोप माइनस 1/2 होगा या फिर स्लोप आपके पास माइनस 1 के इक्वल होगा. पर ये अभी आपने पॉजिटिव क्वांटिटी को सॉल्व किया है. अब हम बात करेंगे कि अगर नेगेटिव से भी क्या कोई रिजल्ट आ रहा है. तो चलिए अब नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं. माइनस एम ओवर 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3. नाउ आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया और आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट 3m इज इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर के. और इस इक्वेशन को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू आर हैविंग 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. नाउ दिस विल बिकम 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0. और ये इक्वेशन को फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देन दिस विल बिकम 2m इनटू m माइनस 1. माइनस 1 यहां से कॉमन ले लिया, m माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. सो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1/2. तो आप देख सकते हैं कि यहां पे चार पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं. या तो स्लोप आपका होगा माइनस 1 या फिर स्लोप आपके पास होगा माइनस 1/2 या फिर स्लोप आपके पास होगा 1/2 और या फिर स्लोप आपके पास होगा 1. तो ये चार पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m है जो गिविंग कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगी.